Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and good. As you know, we have completed 11 chapters in SST. So today we are going to start new chapter, chapter number 12, our natural resources. आज हम नया chapter start करने वाले हैं, new lesson. और what is the name of this lesson? Our natural resources. Our natural resources. So first of all, we have to know about what is the meaning of resources, natural resources. इनका meaning क्या होता है? Natural resources क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा, फिर ही हम chapter को समझ पाएंगे. So whatever we get from nature, these things are called natural resources. Nature से हमें क्या-क्या मिलता है? Nature से जैसे soil है, sunlight है, water, air, ठीक है, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, ये सब चीज़ें क्या हैं? हमें मिनरल्स, मेटल्स, सब कुछ चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, वो सभी चीज़ें क्या आएंगी, किसी कैटेगरी में आएंगी? नेचुरल रिसोर्सेज में. इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट. ये चीज़ें नेचर हमें देती है. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट ऑक्योर नेचुरली फॉर आर यूज. दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. और हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? अगर एयर नहीं हो, वाटर नहीं हो, प्लांट्स नहीं हो, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पर? इज इट पॉसिबल? नहीं कर पाएंगे ना. ओके बेटा, सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो हमें नेचर के थ्रू मिलती हैं. और हमारी जो हमारा सर्वाइवल है ह्यूमन बींग्स का, लिविंग थिंग्स का, वो इन पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड सॉइल. कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, फॉरेस्ट भी आएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट में मिलती हैं, ठीक है, एंड सनलाइट, मिनरल्स, मेटल्स, ऑयल, फॉसिल फ्यूल, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो सभी हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर के थ्रू. सो एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. नेम सम मोर नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू कैन थिंक ऑफ. यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो बेसिक हैं, सनलाइट, वाटर एंड एयर. इसके अलावा आपको चीज़ें खुद सर्च आउट करनी है अपने सराउंडिंग में. नाउ अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? इनकी दो कैटेगरीज होती हैं. कौन कौन सी? एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं. इसके दो टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज के. कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं. एक आएगा आपका एग्जॉस्टिबल और एक कौन सा है? इनएग्जॉस्टिबल. इनमें डिफरेंस क्या है? एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो गई मतलब खत्म हो जाएगी. जो चीज़ें अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और जो एक टाइम पीरियड के बाद ओवर यूज़ करने की वजह से ख़त्म हो सकती हैं, तो उन्हें वो किस कैटेगरी में आती हैं? एग्जॉस्टिबल, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. तो इन कैटेगरीज में हम, ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन्हें कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी अर्थ से इनएग्जॉस्टिबल में? एयर. एयर को आप कितना भी यूज़ करो, कभी ख़त्म हो सकती है क्या? कभी ख़त्म हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकती ना. सो एयर, वाटर, आपको पता है वाटर साइकिल का प्रोसेस, तो वाटर जो भी जाता है वाटर वेपर के रूप में, स्टीम के रूप में एटमॉस्फेयर में, वापस फिर वो एज अ रेन आ जाता है ग्राउंड पर, तो वाटर भी रिसाइकिल होकर आता है, तो ये भी ख़त्म नहीं हो सकता. और क्या हो जाएगा? सनलाइट. सनलाइट भी आप कितना भी यूज कर लो, कभी ख़त्म होगी क्या? नहीं होगी. तो ये क्या होंगे? ये अर्थ पर, हमारी अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, और हम जिसका जितना भी यूज़ करें, इसका कितना भी ओवर यूज़ क्यों ना कर लें हम, ये कभी भी अर्थ से ख़त्म नहीं हो सकते, एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो किसी कैटेगरी में आते हैं ये? इनएग्जॉस्टिबल की में. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है. तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना. तो जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं वो एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आएंगी, और जो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी वो इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आएंगी.
नेचुरल रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट मीन्स हेयर टू बी कम्प्लीटली यूज एंड फिनिश, जो कभी खत्म हो सकता है. इफ नॉट यूज वाइजली, अगर उसका हमने ढंग से यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएंगे. दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दे विल नॉट बी एबल टू अस इन द फ्यूचर. वो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए नहीं बचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल है? ऑयल. ऑयल इसका एग्जाम्पल है, कोल इसका एग्जाम्पल है. ये ऑयल एंड कोल क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ पर अवेलेबल है और इन्हें बनने में भी बहुत टाइम लगता है. कई हजारों साल बाद ये फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो इतनी जल्दी बनेंगे भी नहीं है. इज इट क्लियर? एंड मिनरल्स, मिनरल्स भी एग्जॉस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ये भी अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है और इन्हें फॉर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है. तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फॉर्म तो होते हैं, ये भी नेचुरल है, लेकिन इन्हें टाइम बहुत लगता है. तो ये इसलिए अब इतने टाइम तक क्या हम वेट करते रहेंगे? जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो क्या करेगी? मान लो सारा ऑयल हमने यूज़ कर दिया, अभी से हम लोग इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? वो लोग इंडस्ट्रीज तो उस टाइम पर भी रहेंगी, ट्रांसपोर्ट उस टाइम पर भी रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे इस चीज़ों को मैनेज करेंगे? तो हमें बड़ा बचाकर चलना है. हमें ये सोचना है कि आने वाली जनरेशन है उसे भी सब चीज़ें चाहिए. हमसे पहले लोगों ने हमारे लिए बचा कर रखा, तभी तो हम आज यूज़ कर पा रहे हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी साइड में जो रिसोर्सेज है, एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिन्यूएबल. इन्हें रिन्यूएबल भी कहा जाता है. इनका क्या नाम है? रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, जो दोबारा से रिन्यू हो सकती है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और ये कौन से होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं? ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एयर, वाटर एंड सनलाइट रिन्यूएबल है. इतना भी यूज़ करो फिर से रिन्यू हो जाएंगे, फिर से जनरेट हो जाएंगे. इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यूज़ करने में. लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं? नॉन रिन्यूएबल. ये जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकती. इन्हें फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं. ओके, सो ह्यूमन बींग्स यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक थिंग्स टू यूटिलिटी सच एज हाउसेज, पावर एंड रोड्स. हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें रोड बनाने में, घर बनाने में, और भी इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में हम इन मिनरल का, इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो चीज़ें हम बनाते हैं यूज़ करके, जैसे हमने घर बनाया, तो घर नेचुरल रिसोर्स नहीं है. घर हमें नेचर ने नहीं दिया, हमने नेचर से चीज़ें इकट्ठा करके फिर खुद बनाया है, तो वो ह्यूमन मेड में आ जाएगा. रोड है ना, व्हीकल्स हैं, सारे क्या हो जाएंगे? ह्यूमन मेड हो जाएंगे. सो दे आर मैनी, दे मे एग्जॉस्ट बट कैन बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो भी जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें टाइम टू टाइम बनाया जाता है. व्हीकल्स हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर नए व्हीकल्स बनते रहते हैं. एक अगर व्हीकल ख़राब हो रहा है तो उसके बदले में 10 व्हीकल तैयार हो रहे हैं, तो वो भी बनते रहते हैं टाइम टू टाइम. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें हम वन बाय वन यहाँ बात करेंगे. कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? लाइक सॉइल, मिनरल, प्लांट्स, वाटर, फॉरेस्ट, विंड एंड सोलर एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको कैटेगराइज किया, किन किन कैटेगरीज में रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनकी कैटेगरी कौन सी होती है. तो उनकी दो कैटेगरी होती है, जिसे आप नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल कह सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, और नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में. तो फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सॉइल. सॉइल का मतलब समझते हो ना? मिट्टी. जो अर्थ की टॉप लेयर होती है उसे कहते हैं सॉइल. जैसे मिनरल्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले सॉइल. सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं. अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते. और हम लोग क्या खाते आज? हम बहुत चीज़ों के लिए, हम कपड़ों के लिए, हम कॉटन की क्लोथ पहनते हैं, तो वो भी कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, हम ऑयल्स, जो ऑयल यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं. तो हम बहुत सी चीज़ों के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं. एक तरीके से हम ये भी कह सकें कि हम कम्प्लीटली अगर डिपेंड हो तो ये कहना भी गलत नहीं होगा. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है सॉइल. इट ऑफ वेरियस टाइप लाइक द एलोवियल. इसके भी बहुत टाइप होते हैं. मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती, सॉइल हर जगह एक जैसी नहीं होती. इसके भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल. ठीक है, इसके टाइप भी हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा वहाँ पे आपका पूरा चैप्टर दिया हुआ है सॉइल पे, सॉइल के टाइप्स पर. लेकिन अभी आप बेसिकली पढ़ लो कि एलुवियल एक टाइप होता है, ब्लैक कलर की सॉइल होती है, रेड कलर की सॉइल होती है,
लेटराइट होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, माउंटेनियस सॉइल होती है. तो 6 टाइप की सॉइल होती है जो इंडिया में पाई जाती है. वी ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन दिस सॉइल. और सॉइल पर डिपेंड करता है कि वहाँ की उस सॉइल में, उस मिट्टी में किस टाइप की जो क्रॉप है उसे ग्रो किया जा सकता है. जैसे कि जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल किसके लिए सुटेबल होती है, किसके लिए सुटेबल होती है, कॉटन के लिए. जिसकी जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वहाँ कॉटन ग्रो किया जाता है. ठीक है. रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे इतनी फसलें नहीं होती हैं या इसलिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है. जो एलुवियल सॉइल होती है सबसे बेस्ट होती है. सबसे बेस्ट कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल. ठीक है. इसमें जितनी भी क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, आप ग्रो कर सकते हो. तो ये कुछ टाइप है सॉइल के. सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स हम ग्रो करेंगे तो सॉइल में ही करेंगे, और सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती हैं. बाकी हम इस चैप्टर में मिनरल्स वगैरह जो बाकी है, मिनरल्स, प्लांट्स, वाटर, फॉरेस्ट एंड विंड एंड सोलर एनर्जी, ये मिनरल रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप यू गॉट वेल एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर, स्पेशली पैराग्राफ एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आपको सॉइल वाला पैराग्राफ आज रीड करना है.